कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर सोमवार को भक्तों में अपार उत्साह देखा गया। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ कान्हा के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं मंदिरों में पूरे दिन कई धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के बाद रात्रि 12 बजते ही थाली बजाकर कृष्ण जन्म की बधाइयां दी गई। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को लेकर मंदिरों को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से सजाया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन मुकुंद मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें मध्य रात्रि तक लगी रही। भक्तों की भारी भीड़ के चलते पुलिस के महिला पुरुष जवान यहां तैनात रहे। बाड़मेर में सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले भर के साथ साथ शहर के सभी कृष्ण मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई। सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचने लगे। लोगों ने व्रत और उपवास रखे और देर रात तक कृष्ण जन्म के बाद मंदिरों में आराध्य की झलक पाने के लिए भक्त जुटे रहे। देर रात्रि तक हर तरफ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया के जयकारे ही गूंजते नजर आए। वहीं रात को शहर में अलग अलग जगह मटकी फोड़ कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बच्चों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। बाड़मेर शहर के आजाद चौक स्थित चारभुजा मंदिर, हनुमान मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ठाकुर जी मंदिर, बेरियों का वास स्थित पुष्करणा राधा कृष्ण मंदिर, ठाट समाज के राधा कृष्ण मंदिर, महावीर नगर के बाबा रामदेव मंदिरों सहित कृष्ण मंदिरों में धूम रही। रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर अभिषेक किया गया। इसको लेकर सभी मंदिरों के पुजारी और भक्तों ने विशेष तैयारियां की। मंदिरों के पुजारी बताते हैं कि सुबह देव प्रतिमाओं की विशेष पूजन करके आकर्षक श्रृंगार किया और सुबह से ही मंदिरों में कृष्ण राधा के दर्शन को भक्तों की भीड़ लगी रही, जो दिन ढलने के साथ बढ़ती गई। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भक्तों ने उपवास रखकर अपनी मनोकामनाएं मांगते नजर आए। रात्रि में कलाकारों की ओर से अलग अलग भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर स्टेशन रोड, गांधी चौक, इलूजी मार्केट सहित अन्य प्रमुख बाजारों को भी सजाया गया। शहर के प्राचीन मुकुंद मंदिर में सोमवार शाम से भक्त दर्शन को पहुंचे और भगवान कृष्ण के झूला झुलाने की परंपरा का निर्वहन किया। वहीं मुकुंद मंदिर में शाम ढलने के साथ ही बाहर सड़क तक भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई, जो मध्य रात्रि तक जारी रही। वहीं मंदिर कमेटी द्वारा महिला पुरुष भक्तों की अलग अलग लाइनें बनाई गई, तो मंदिर के बाहर की सुरक्षा यातायात का जिम्मा पुलिस ने संभाले रखा। रात 12 बजे यहाँ मटकी फोड़ कार्यक्रम के बाद भगवान कृष्ण के जन्म पर थाली और शंख बजाए गए। वहीं मंगलवार को सदियों से समंदर हिलोरने की परंपरा का निर्वहन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जसदेव तालाब पर सुहागिन महिलाओं ने अपने भाई के साथ समंदर हिलोरा। भाई बहन को पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं और बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई रक्षा करने का वचन देता है। दरअसल सदियों पुरानी भाई बहन की हिलोर परंपरा आज भी निभाई जाती है। जसदेव तालाब पर समंदर हिलोरने की परंपरा का निर्वहन किया गया। तालाब में खड़े होकर पहले समंदर हिलोरा गया, इसके बाद बहनों को भाइयों ने चुनरी उड़ाकर बाहर निकाला। इससे पहले समंदर मंथन के लिए बड़ी संख्या में लोग तालाब पर पहुंचे और दशकों पुरानी परंपरा को निभाया। इससे समाज की महिलाएं पारंपरिक परिधानों से सज्जित कर समूह में लोक संस्कृति से जुड़े गीत गाते हुए तालाब पर पहुंची। इससे पूर्व महिलाओं ने विभिन्न परिधानों पर सज्जित कर तालाब के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए विभिन्न गीत गाए। मंथन दौरान भाइयों ने बहन के ससुराल में सुख समृद्धि और रक्षा का संकल्प दोहराया।